बिहार सरकार परिसर आवंटन किराया वसूलियों में दखली संशोधन विधेयक 2024 प्रभारी मंत्री भवन निर्माण विभाग अध्यक्ष जी मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार सरकारी परिषद आवंटन किराया वसूली एवं बेदखली संशोधन विधेयक 2024 को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव के विधेयक खंड में मुद्रक भूल के कारण एक शाब्दिक अशुद्धि हुई है। दरअसल अंतिम पंक्ति में प्राधिकृत कारण से एक शाब्दिक अशुद्धि हुई हो गई है। दरअसल अंतिम पंक्ति में प्राधिकृत कारण से अधिभोग के बाद नहीं शब्द छूटा हुआ है, इस नहीं शब्द को जोड़ते हुए पढ़ा जाए। इस आशय में मैंने आपको पूर्व में सूचना दी है। महोदय, प्रश्न यह है कि बिहार सरकारी परिषद आवंटन किराया वसूली एवं बेदखली संशोधन विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए, जो इसके पक्ष में हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष मोहम्मद है, पक्ष मोहम्मद है, प्रस्तावित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री, मैं इसे पुनः पूरा स्थापित करता हूं। यह प्रस्तावित हुआ। अरे भाई, क्यों शोर कर रहे हैं? आपका विषय आ गया, अखबार में छप गया, अब यहाँ काम क्यों बाधित कर रहे हैं? आप चाहते थे अखबार में छपे, छप गया ना, छप जाएगा, टीवी पर भी आ गया, अब यहाँ शोर करने की क्या आवश्यकता है? अपने स्थान पे बैठिए, महत्वपूर्ण बिल है, बिल के बारे में चर्चा करिए। हो गया ना, अखबार में छप गया, आपका विषय आ गया, यहाँ चर्चा हो नहीं सकती है। भारत सरकार का विषय है और भारत सरकार ने पार्लियामेंट में कमेटी बनाई है, वहां अपनी बात रखी, अब यहाँ क्या होने वाला है इस विषय पे? प्रभारी मंत्री, मैं अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार सरकारी परिषद आवंटन किराया वसूली एवं बेदखली संशोधन विधेयक 2024 पर विचार हो। महोदय, जनमत जानने का प्रस्ताव माननीय समीर कुमार मासे द्वारा विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव दिया गया है। क्या माननीय समीर कुमार मासे अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? समीर कुमार मासे, संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव, इसे माननीय अजय कुमार सिंह द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है। क्या माननीय श्री अजय कुमार सिंह अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? अजय कुमार सिंह जी, प्रवर समिति का प्रस्ताव, इसमें माननीय श्री अजीत शर्मा एवं श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है। क्या माननीय श्री अजीत शर्मा अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार सरकारी परिषद आवंटन किराया वसूली एवं बेदखली संशोधन विधेयक 2024 को एक प्रवर समिति को इस निर्देश के साथ सौंपा जाए कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से 3 माह के अंदर दे। महोदय, मैंने यह प्रस्ताव इसलिए किया है क्योंकि विधेयक की प्रस्तावना में ही भाषा संबंधी कई त्रुटियां हैं, यहाँ तक कि उद्देश्य और हेतु में भी व्याकरण की त्रुटियां हैं। साथ ही महोदय, कोई भी विधेयक स्वीकारित होना चाहिए। प्रवर समिति में इस विधेयक के एक बिंदु पर विस्तृत चर्चा होगी और चर्चा के बिंदुओं का समावेश करते हुए सदन में यदि विधेयक लाया जाए तो भविष्य में इस पर तुरंत कोई संशोधन लाने की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार ने उसको अभी संशोधित कर लिया है, एक जगह नहीं छूट गया था, नहीं डाल दिया गया हिंदी में, अंग्रेजी अनुवाद में नहीं, पहले से है। प्रश्न यह है कि बिहार सरकारी परिषद आवंटन किराया वसूली एवं बेदखली संशोधन विधेयक 2024 को प्रवर समिति को निर्देश के साथ सौंपा जाए कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से 3 माह के अंदर दे। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूँ कि विपक्ष मोहम्मद है, विपक्ष यह प्रस्ताव आपको। प्रश्न यह है कि बिहार सरकारी परिषद आवंटन किराया वसूली में रखी संशोधन विधेयक 2024 में विचार हो, जो इसके पक्ष में भी आ गए, जो इसके विपक्ष में भी ना गए। मैं समझता हूं कि पक्ष मोहम्मद है, पक्ष मोहम्मद है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंड सा लेता हूं, खंड 2 में 6 संशोधन है। क्या माननीय समीर कुमार महासेठ तो अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं है। क्या माननीय समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं है। क्या माननीय समीर कुमार महासेठ अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं है।
क्या माननीय सांसद अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं करेंगे। क्या माननीय सांसद अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं करेंगे। क्या माननीय सांसद अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं करेंगे। प्रश्न यह है कि खंड 2 इस विधेयक का अंग बने, जो इसके पक्ष में भी हां कहें, जो इसके विपक्ष में भी ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2 इस विधेयक का अंग बना। ये सदन कानून बनाने के लिए, आप लॉ मेकर हैं, कानून बन रहा है, बिल पास हो रहा है और आप शोरगुल कर रहे हैं, अच्छा लगता है क्या? अपने स्थान पे जाइए और इसमें भाग लीजिए। खंड 3 में एक संशोधन है। क्या माननीय सांसद अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं करेंगे। प्रश्न यह है कि खंड 3 इस विधेयक का अंग बने, जो इसके पक्ष में भी हां कहें, जो इसके विपक्ष में भी ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 3 इस विधेयक का अंग बना। खंड 4 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 4 इस विधेयक का अंग बने, जो इसके पक्ष में वहां कहें, जो इसके विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 4 इस विधेयक का अंग बना। खंड 5 में एक संशोधन है। क्या माननीय सांसद अजय कुमार सिंह अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं है। प्रश्न यह है कि खंड 5 इस विधेयक का अंग बने, जो इसके पक्ष में भी हां कहें, जो इसके विपक्ष में भी ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 5 इस विधेयक का अंग बना। खंड 4 में एक संशोधन है। क्या माननीय सांसद अजीत शर्मा अपना संशोधन मूव करेंगे? नहीं करेंगे। प्रश्न यह है कि खंड 6 इस विधेयक का अंग बने, जो इसके पक्ष में भी हां कहें, जो इसके विपक्ष में भी ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 6 इस विधेयक का अंग बना। खंड 7 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह कि खंड 7 इस विधेयक का अंग बने, जो इसके पक्ष में भी हां कहें, जो इसके विपक्ष में भी ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 7 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने, जो इसके पक्ष में भी हां कहें, जो इसके पक्ष में भी हां कहें, जो इसके विपक्ष में भी ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 1 इस विधेयक का अंग बना। विपक्ष चला गया, इसका अर्थ नहीं है कि आप शांत हो जाइए। आप तो हाना करिएगा ना, आपकी सहमति है ना। बैठिए बैठिए बैठिए, बैठ जाइए। प्रश्न यह है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने, जो इसके पक्ष में भी हां कहें, जो इसके विपक्ष में भी ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी। प्रश्न यह है कि नाम इस विधेयक का अंग बने, जो इसके पक्ष में भी हां कहें, जो इसके विपक्ष में भी ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नाम इस विधेयक का अंग बना। स्वीकृति का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार सरकारी परिषद आवंटन किराया वसूली बेदखली संशोधन विधेयक 2024 स्वीकृत हो। माननीय सभी सदस्यों से आग्रह है कि इसको सर्वसम्मति से। आप इसके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। बिहार सरकारी परिषद आवंटन किराया वसूली एवं बेदखली संशोधन विधेयक 2024 के संशोधन के मुख्य बिंदु ये है कि कोई भी सरकारी जो भी अपना सरकारी परिषद है उसके व्यक्ति कोई भी व्यक्ति उसको किराया पे अगर लेता था तो उसके लिए किराया वसूली का कोई तरीका नहीं था, उसका बढ़ोतरी का कोई तरीका नहीं था, उसको खाली कराने का कोई तरीका नहीं था। कोई इसमें अब कोई लीजधारी अगर है तो अगर उसको लीज पर दिया गया है तो उसमें कोई और ये अवैध कब्जा कर लिया है, उसको रिक्त करने का कोई प्रावधान नहीं था। इसके अतिरिक्त निगम संस्था निकाय सहकारी समिति की भी भूमि पर भी अवैध कब्जाधारियों से मुक्त कराने का कोई प्रावधान नहीं है। साथ ही सरकारी परिषद के किराया में संशोधन एवं आवंटित की मृत्यु के उपरांत
आवंटित के उत्तराधिकारी विधिक प्रतिनिधियों से भी किराया वसूली का कोई प्रावधान नहीं था। उपयुक्त समस्याओं के निराकरण हेतु विद्वान महाधिवक्ता बिहार के परामर्श के आलोक में यह संशोधन प्रस्ताव लाया गया है। इसमें सरकारी परिषद की परिभाषा में निगम, संस्थान, निकाय, सहकारी समिति, वैसे सहकारी समितियां जिसमें राज्य सरकार का भी शेयर हो को भी शामिल किया गया है। इसमें लीज पर दी गई सरकारी परिषदों को अवैध कब्जाधारियों से रिक्त कराने का प्रावधान सन्निहित है। साथ ही बकाया किराया के निर्धारण वसूली हेतु आवंटित के उत्तराधिकारी विदित प्रतिनिधियों के विरुद्ध कार्रवाई का भी प्रावधान है। महोदय आग्रह करिए, सभी सदस्यों से आग्रह है कि इन्हें जो है सर्वसम्मति से जो है पास किया जाए। बिहार के हित के लिए प्रश्न यह है कि बिहार सरकारी परिसर आवंटन किराया वसूली एवं विदखली संशोधन विधेयक 2024 स्वीकृत हो, जो इसके पक्ष में भी हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में भी ना कहें। मैं समझता हूँ कि पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार सरकारी परिसर आवंटन किराया वसूली एवं विदखली संशोधन विधेयक 2024 स्वीकृत हुआ। दूसरा, बिहार खेल विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024, प्रभारी मंत्री खेल विभाग। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार खेल विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि बिहार खेल विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने की अनुमति दी जाए, जो इसके पक्ष में भी हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में भी ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष बहुमत है, प्रस्तावित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री, मैं इसे प्रस्तावित करता हूं। यह प्रस्तावित हुआ, विचार का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार खेल विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 पर विचार हो। संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव। इसमें माननीय सदस्य अख्तरुल इस्लाम शाहीन द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव आया है। क्या माननीय सदस्य श्री अख्तरुल इस्लाम शाहीन अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? नहीं। प्रश्न यह है कि बिहार खेल विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 पर विचार हो, जो इसके पक्ष में भी हाँ कहें, जो उसके विपक्ष में भी ना कहें। मैं समझता हूँ कि पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंड सा लेता हूँ। खंड 2 एवं 3 में कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खंड 2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने, जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें। यहाँ भी तो सुनाई पड़ना चाहिए। जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूँ कि पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने। प्रश्न यह कि खंड 1 इस विधेयक का अंग बने, जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। सरिंदर जी का आवाज लग रहा था। मैं समझता हूँ कि पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंड 1 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने, जो इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूँ कि पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी। प्रश्न यह कि नाम इस विधेयक का अंग बने, जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूँ कि पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। नाम इस विधेयक का अंग बना। स्वीकृति का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार खेल विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 स्वीकृत हो। बयान, आपका कुछ बोलना है ना आपको, बोलिए। महोदय, बिहार खेल विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 में कला संस्कृति एवं युवा विभाग के स्थान पर खेल विभाग एवं छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय का नाम खेल निदेशालय किया जाना समीचीन है। इसके लिए बिहार खेल विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 में कला संस्कृति एवं युवा विभाग शब्द समूह के स्थान पर खेल विभाग तथा छात्र एवं युवा कल्याण निदेशालय शब्द समूह के स्थान पर खेल निदेशालय शब्द समूह किया जाना
तथा अधिनियम की धारा 4-7 में संशोधन करना इसका उद्देश्य है, जिसे अधिनियम करना ही इस विधेयक का अभिष्ट है। हम तमाम अपने मान्य सदस्यों से कहना चाहेंगे कि इसे स्वीकृत करें। प्रश्न यह है कि बिहार खेल विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 स्वीकृत हो, जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में वे ना कहें। मैं समझता हूँ कि पक्ष बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। बिहार खेल विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 स्वीकृत हुआ। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 27 नवंबर 2024 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 58 है। अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाए। सभी शून्यकाल की समिति को भेज दिए जाएंगे।